प्यारा बाबा, रोज ही किसी न किसी रूप से हमें माया रावण से सावधान करते हैं, अलर्ट करती है। माया क्या है और उसका मेरे जीवन में क्या रोल है, ये भी तो सोचना चाहिए ना। रावण या माया की धमकी से डरने वाले हम लोग हैं, तो माया के प्रभाव में आने वाले हैं क्या है? तो कौन है माया? माया है कौन? रावण है कौन? उसको अच्छी तरह से समझ करके उसकी हर चाल को पहचान करके हम स्वयं को विजयी बना करके रखे। माया के वो भिन्न भिन्न रूप कौन से हैं? जितना बाप को जानना जरूरी है, जितना बाप को याद करना जरूरी है, उतना ही माया का नॉलेजफुल बनना भी जरूरी है। नहीं तो आपको अगर माया का नॉलेज नहीं है तो वो कहाँ से भी थप्पड़ लगा के चली जाएगी। तो क्या स्वरूप है माया का, सुना है तो कोई? माया किसको कहते? देह अभिमान, फिर पुराने संस्कार, फिर संकल्प के रूप में आ जाता है। उसकी चाल तो देखो कैसी है, व्यर्थ संकल्प के रूप में, आपको मालूम भी नहीं चलता है। इतना महीन रूप लेकर के आ जाती है। हाँ, आवश्यकता नहीं है तो भी आ जाती है, क्योंकि प्यार है ना, 2500 साल का प्यार है तो वो कैसे छोड़ेंगे। इसीलिए अच्छी तरह से अपने दुश्मन को भी पहचान लेना है और एकदम होशियार, सावधान, अलर्ट रहना है। जरा भी कमजोर, ना हिम्मत, निर्बल अपने को महसूस नहीं करना है, समझ रहे हैं ने? हम है कौन, है किसके, हमारा साथी कौन है, अगर ये हमें याद रहा, अपना पोजीशन याद रहा, तो किसकी ताकत नहीं चलेगी। लेकिन अगर हमारे पोजीशन से हम नीचे उतर गए, फिर तो कोई भी अपोजिशन ले सकता है।
क्योंकि आपने अपनी पोजीशन छोड़ दी है। और ये माया जीत बनने के लिए सबसे पहला बहुत सूक्ष्म चेकिंग, मैंपन और मेरापन ये समाप्त हो जाए। शरीर का मैंपन और शरीर के विस्तार का मेरेपन, उससे व्यर्थ चलता है, उसको समाप्त करने के लिए मैं बाबा की, मैं आत्मा बाबा की और बाबा मेरा, और ये रथ बाबा को सेवा में दिया हुआ है, तो ये रथ और इस रथ से कनेक्टेड जो कुछ भी है उससे मेरा कोई भी मकसद नहीं है। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाता है? बाबा की जिम्मेवारी में जाता है, क्योंकि हमने तो बाबा को दे दिया है। और हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है? बाबा ने हमें जो श्रीमत दी है, जो डायरेक्शन दी है, वो हमारी जिम्मेवारी है। तो रावण का काम है श्राप देना, श्राप को बहुत खराब माना जाता है ना। अब रावण कोई और तो है नहीं, हमारा अज्ञान, हमारी कमजोरी, हमारा अहम भाव, यही बड़े थे बड़ा रावण है। इसलिए ये सब हमारे हाथ में है, इसलिए बाबा कहते बाप वर्षा देता है और रावण श्राप देता है। श्राप मिलने की फीलिंग क्या होती है? मजा नहीं आएगा, खुशी नहीं रहेगी, थोड़ा टेंशन हो जाएगा, कुछ मन नहीं लगेगा, या आलस्य आ जाएगा, या अलबेलापन आ जाएगा, या खुद का दोष दूसरों के पर डाल देंगे। ये सब माया के रॉयल रूप है, उसको अच्छी तरह से पहचानो।